ये तस्वीरें देखकर राजनीति के दिग्गजों को 30-32 साल पुरानी भविष्यवाणी याद आ गई। वो भविष्यवाणी जो दलित राजनीति की बुनियाद रखने में जुटे काशीराम ने की थी। काशीराम उन दिनों दलित वोट बैंक सहेजने के मिशन पर थे। एक दिन वो 21 साल की एक लड़की से मिले जो दिल्ली में स्कूल टीचर थी और आंखों में आईएएस बनने का सपना संजोए हुए थी। नाम था मायावती। मायावती से पहली ही मुलाकात में काशीराम ने कहा था, तुम आईएएस बनने का सपना देखकर गलती कर रही हो, मैं तुम्हें वो बनाऊंगा जिसके सामने एक दिन एक तो नहीं दर्जनों आईएएस लाइन लगाए खड़े होंगे। काशीराम की इस बात ने मायावती की जिंदगी की राह, उनका सपना, सब कुछ बदल डाला। वो मामूली स्कूल टीचर से दलित राजनीति की ज्वालामुखी बन गई। उत्तर प्रदेश के सपा बसपा गठबंधन की अपनी सरकार को बहुत लोग ने सोचा जे बहुत गलती कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास ना कुछ एक्सपीरियंस था और सब लोग सोचा जे ये कांशीराम के एक वीकनेस का हिस्सा थे। लेकिन कांशीराम ने बहुत बार कहा, मुझे याद है, जे आप लोग सब गलती कर रहे हैं, लोग गलती कर रहे हैं, ये जो है लड़की ये बहुत तेज है और ये बहुत आगे चलेगी, बहुत आगे जाएगा। लखनऊ और दिल्ली के नजदीक स्थित नोएडा में सैकड़ों एकड़ तक फैले ये पार्क और आदमकद मूर्तियां हिंदुस्तान में आए राजनीतिक और सामाजिक बदलाव की गवाह हैं, जिसके बारे में 30-40 साल पहले तक कोई सोच भी नहीं सकता था। विरोधी चाहे लाख सवाल करे, लेकिन मायावती और उनके वोट बैंक के लिए ये सब कुछ उनके हक और सम्मान का एक महज छोटा सा हिस्सा है, जिसे सदियों से उनसे छीना जाता रहा। सैकड़ों सालों तक जिन लोगों को अछूत माना जाता रहा, मंदिरों में जाकर भगवान की पूजा करने की इजाजत नहीं मिली, वक्त ने करवट ली तो इन लोगों ने अपनी खुद की देवी चुन ली। वो देवी जो सारी ऊंची जातियों को अपने पैरों पर झुका लेती है, अपनी उंगली के एक इशारे पर बड़े से बड़े हुक्मरान का तख्तो ताज पलट देती है। उस देवी की निगाहें अब दिल्ली के तख्त पर हैं। मायावती यूपी के तख्त पर 4 बार काबिज हो चुकी हैं। वो प्रदेश जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसने यहाँ की जंग जीत ली उसने दिल्ली की जंग जीत ली, लेकिन बात पुरानी हो चुकी है और ये मिथक खुद मायावती और उनके जैसे क्षत्रपों ने ही तोड़ा है। लेकिन अभी भी यहाँ की 80 सीटों में इतना दम तो है कि रेस में आगे रहने वाला किसी भी गठबंधन को अपने मुताबिक तोड़ और मरोड़ सकता है। मायावती भी यूपी की इसी ताकत को आजमाने की मुहिम में जुटी हैं। जहां से भी उनका भला होगा और फायदा हो रहा होगा वो उसमें जाएंगे। वो काशीराम खुलेआम कहते भी थे कि हमें इससे मतलब नहीं है, हमें तो देखना कि हमारा कहां भला हो सकता है। दिल्ली की सियासत को तोड़ मरोड़ देने का ये रसूख मायावती को ना तो विरासत में मिला और ना ही थाली में सजाकर। इसके लिए उन्होंने लंबा संघर्ष किया, समाज से भी, परिवार से भी। 15 जनवरी 1956 को मामूली हैसियत वाले दलित परिवार में पैदा हुई मायावती ने गुर्बत और भेदभाव बचपन से ही भुगता। मायावती ने ये बात खुद अपनी जीवनी में लिखी है। भाइयों को तो अच्छी शिक्षा के लिए प्राइवेट स्कूल भेजा जाता था, लेकिन मैं और बाकी बहनें सरकारी स्कूल में पढ़ते थे। इस बात को लेकर मायावती के मन में पिता के प्रति कड़वाहट गहरे बस गई।
कहते हैं जब बीएसपी के समर्थन से मुलायम सिंह ने सरकार बनाई और मायावती का सियासी रसूख रातों रात आसमान छूने लगा तो बेटी की कामयाबी देखने के लिए पिता भी लखनऊ आए थे। उस वक्त मायावती उन्हें वो दौर याद दिलाना नहीं भूली जब पिता के लिए बेटे ज्यादा अहम थे। इतना दिन सोचा जी हम लोग जो कर रहे हैं तो बिल्कुल बकवास कर रहे हैं और आपका कोई विश्वास नहीं था हमारे ऊपर, आप क्यों आए हमारे लिए, हम हमारे पास ये अब कुछ करो। लेकिन अब उनका जो रिश्ता है ठीक ही है। पुरानी बातें ना भूलना और मौका मिलते ही हिसाब बराबर कर लेने की ये आदत मायावती ने सियासत में भी नहीं छोड़ी। ১৯৯৯ में अटल बिहारी की 13 महीने की सरकार जब एक वोट से गिरी तो ये मायावती का ही बदला था। 1997 में बीजेपी ने बीएसपी विधायकों को तोड़कर यूपी में सरकार बनाई थी। 2 साल बाद जब मौका मिला तो मायावती ने दिल्ली में बीजेपी सरकार को जमींदोज कर दिया। हमारे लिए दोनों पार्टी एक नागनाथ है तो इधर सांपनाथ बैठे। हालांकि मायावती ने बीजेपी से ही सियासत की फिसलन भरी राह में पैर जमाना सीखा और बीजेपी की मदद से ही वो 3 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। यहां तक कि गुजरात दंगों के बाद भी उन्होंने बीजेपी का साथ नहीं छोड़ा, बल्कि नरेंद्र मोदी का प्रचार करने वो गुजरात भी गई थी। लेकिन वक्त बदल चुका है, 2014 में वही मायावती नरेंद्र मोदी के खिलाफ अब ताल ठोक कर खड़ी हैं। मुस्लिम वोट को टैप करने के लिए मुझे लगता है अगेन पार्ट ऑफ स्ट्रैटेजी है कि उन्होंने मोदी के खिलाफ बोलना शुरू किया है, तो फिलहाल इलेक्शन के पहले उनका यह स्टैंड रहता है। बाद में क्या होगा मायावती के बारे में प्रेडिक्ट करना इम्पॉसिबल है। मायावती के सियासी करियर में 1993 का साल बेहद अहम साबित हुआ। इसी साल उन्हें दलित वोट बैंक के साथ दूसरी जातियों के तालमेल का नफा नुकसान समझ में आया। यूपी विधानसभा चुनाव में बीएसपी ने मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा था। यूपी के किंग मुलायम सिंह यादव बने, लेकिन किंग मेकर की हैसियत में थी 67 विधायकों वाली पार्टी की नेता मायावती। और स्थिति यह थी कि कांसीराम स्टेट गेस्ट हाउस जो मीराबाई मार्ग वहां मुलायम सिंह को बुलाते थे और ये हो जाता था कि कांसीराम तहमत पहनकर ऊपर बैठते थे और मुलायम सिंह को दूर बिठाते थे। मजबूरी उस समय थी, मुख्यमंत्री थे। हालांकि मुलायम और माया का गठजोड़ ज्यादा दिनों तक नहीं चला और 1995 में मायावती ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया। नतीजे के तौर पर हुए गेस्ट हाउस कांड की कड़वाहट आज भी मायावती की जुबान पर सबसे आगे रहती है। मुलायम सिंह यादव इटावा के अपने खुद के सैफई गांव में सरकारी पैसों से मेले के आयोजन पर पैसा पानी की तरह बहाकर वहां अपने मनोरंजन के जरिए मुंबई की बड़ी बड़ी फिल्मी हस्तियों के नाच गाने आदि करा के मौज मस्ती करने में व्यस्त है। इतना आपस में कटुता हुई कि कुछ वहां पर उनके लोगों ने जाकर गिरफ्तार को खेल लिया। उस घटना से मायावती की जान बचाने के लिए खुद सारी व्यवस्थाएं की थी। अगर उस समय शायद हम लोग इतने सक्रिय न होते तो आज मायावती का इतिहास कुछ और होता। मुलायम सिंह के साथ मायावती की दुश्मनी का चैप्टर शुरू हुआ तो दूसरी तरफ बीजेपी के रूप में नया साथी भी मिला। इसी नए साथी की बदौलत मायावती को 1995 में पहली बार यूपी का तख्तो ताज हासिल हुआ। देश के इतिहास में पहली बार एक दलित महिला मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठी। सरकार 4 महीने में ही गिर गई, लेकिन समाज के हाशिए पर फेंके गए दलितों को पहली बार सत्ता का स्वाद पता चल गया। It came like a shock
टू एवरीवन कि ये क्या हुआ, काशीराम खुद मुख्यमंत्री नहीं बन रहे जब मुलायम को हटा करके ये बना दिया। और उन्होंने खुलेआम कहा कि ये देखिए, भाषण में कहा काशीराम ने कि ये देखिए, ये मायावती चाहती थी डीएम बनना, लेकिन हमने इसको सीएम बना दिया। जोड़ तोड़ से सरकार बनाने का करिश्मा दो बार और हुआ, 1997 और फिर 2002 में भी मायावती थोड़े दिनों के लिए यूपी की सीएम बनी, लेकिन हर बार सत्ता में आने पर एक बात तय होती थी और वो था मायावती का दलित एजेंडा, जिसकी चपेट में विरोधियों से ज्यादा नौकरशाही को आना पड़ता था। दलित उनका जो अपना वोट बैंक है उसको उन्होंने दरोगा के सामने बैठना सिखाया, उनका अपना वोट बैंक एसपी के सामने जा करके पहले जो गिड़गड़ाने की स्थिति थी वो गिड़गड़ाने का छोड़ करके उन्होंने आदेशित रूप में उनके जो गांव के कोऑर्डिनेटर्स हैं, उनके जगह जगह जो कोऑर्डिनेटर्स थे उनको उन्होंने मजबूत किया, अपने कोऑर्डिनेटर्स को मजबूत किया। जोड़ तोड़ की सत्ता के खेल में मायावती को ये समझ आ गया कि सिर्फ दलित वोटों के दम पर वो किंग मेकर तो बन सकती हैं, खुद क्वीन नहीं। क्वीन बनने के लिए उन्हें और भी तबकों को साथ जोड़ना होगा। ।2007 का यूपी विधानसभा चुनाव भारत के इतिहास में सोशल इंजीनियरिंग नाम का जादुई अध्याय लिख गया। मायावती के वफादार दलित वोट बैंक के साथ ब्राह्मण वोटर भी जुड़ गए। पूरे दमखम के साथ सरकार बनाकर मायावती ने वो सारी हसरतें पूरी की जो अभी तक अधूरी रह गई थी। सैकड़ों एकड़ में पार्क बने, उनकी और कांशीराम की मूर्तियां बनी, नोटों के हार पहनाए गए। जब वो चलती थी मुख्यमंत्री के रूप में तो उनकी गाड़ी के जाने से पहले सड़क की धुलाई होती थी। मायावती को जानते हैं लोग धूल से एलर्जी। यूपी का सिंहासन हासिल करने के बाद माया की निगाहें दिल्ली पर गड़ गईं। उनका अगला लक्ष्य दिल्ली का किंग मेकर बनने का था। 2009 के लोकसभा चुनाव में 21 सीटें जीतकर मायावती ने इस ओर कदम भी बढ़ाया, लेकिन जोड़ तोड़ की गुंजाइश नहीं बन पाई। 2012 में मायावती 2007 का प्रदर्शन नहीं दोहरा पाई और मुलायम की साइकिल लखनऊ की रेस में उनसे काफी आगे निकल गई। यूपी की सत्ता से बाहर होकर मायावती ने एक बार फिर दिल्ली पर नजरें गड़ा दी हैं। दलित, ब्राह्मण, मुस्लिम वोट बैंक के बूते मायावती इस बार दिल्ली की सत्ता की लगाम अपने हाथों में रखने की कोशिश में जुटी हैं। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी पर उनके हमलों की धार बेहद तेज हो गई है। मोदी मतलब संप्रदाय तत्वों को बढ़ावा देने वाली बात है, तो भारतीय जनता पार्टी को हम पूरी ताकत लगाएंगे पूरे देश के अंदर कि इनको सत्ता में आने से रोका जाए। अपने फैसले खुद करना और उस पर कायम रहना, मायावती की शख्सियत के ये वो पहलू हैं जो जिद और कभी न बदलने वाली आदत में तब्दील हो चुका है। मायावती की जिद को सबसे पहले कांशीराम ने पहचाना, जो खुद उस वक्त सरकारी नौकरी छोड़कर उत्तर भारत के दलितों को एकजुट करने की मुहिम में लगे थे। दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में कांशीराम ने जब मायावती को जनता पार्टी नेता राज नारायण की धज्जियां उड़ाते देखा, उसी वक्त वो समझ गए कि यही लड़की एक दिन उनकी दलित क्रांति का परचम देश में लहराएगी। रात में घर पहुंचे कांशीराम की बातों ने मायावती पर ऐसा गहरा असर किया कि वो आईएएस का सपना छोड़ कांशीराम के बड़े सपने का हिस्सा बन गईं। राजनारायण स्पीच दिया था और दलित के बारे में बार बार उन्होंने हरिजन का नाम लिया। जब मायावती का टर्न आया वो बोलने तो उसका बहुत निंदा किए, बोले हरिजन जो नाम है ये दलित का नाम नहीं है, ये गांधी ने बिल्कुल गलत किया और हम हरिजन नहीं है, हम दलित हैं। मायावती के पिता उनके और कांशीराम के मिलने जुलने के खिलाफ थे,
लेकिन मायावती के सामने तस्वीर बिल्कुल साफ थी। वो तय कर चुकी थी कि उन्हें आगे क्या करना है। लिहाजा जब पिता ने घर और कांशीराम के बीच एक को चुनने को कहा तो मायावती ने रात के ही वक्त घर छोड़ दिया। उस टाइम पे तो उसका पिता को लागा जरूर ये क्या बिल्कुल भटका रहे अपने लड़की को। हाँ तो फिर इसीलिए काफी झगड़ा भी हुआ, मायावती को घर छोड़ने भी पड़ा। 1984 में जब कांशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाई तो मायावती ने सब कुछ छोड़कर खुद को दलित राजनीति में झोंक दिया। बागपत वगैरह में एक जमाने में वहां दलितों को वोट नहीं डालने दिया जाता था। इन्होंने साइकिल साइकिल से दौरे किए, गांव गांव में साइकिल लेकर के गांव में पूरी दीवाले रंग दी जाती थी बहुजन समाज पार्टी के नाम से, दलित के नाम पर, और नारे भी दिए गए आपको तिलक तराजू तलवार जैसे, इस तरह के नारे देकर के। आगे की बात नहीं करूंगा। कांशीराम ने भी शुरुआत से ही मायावती को सबके सामने रखा, लिहाजा मायावती दलितों के बीच रातों रात एक उम्मीद की किरण बनकर चमकती रही। 1989 में मायावती बिजनौर से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची तो पहली बार उन्हें लोकतंत्र की ताकत का एहसास हुआ। बाद के दिनों में खुद मायावती कांशीराम की विरासत को लेकर थोड़ी असुरक्षित होने लगी, लेकिन मायावती के डर से उलट कांशीराम के इरादे एकदम साफ थे। 2001 में हजारों लोगों की रैली के सामने उन्होंने मायावती को बीएसपी की कमान सौंप दी। कांशीराम के पुराने सपोर्टर्स थे, जो साथ के लोग थे, जिन्होंने उनके साथ मलिन बस्तियों में पैदल चल चल करके अपने जूते घिसे थे, पसीना बहाया था, उन सबको साइडलाइन कर दिया, उन सबसे नाराजगी। और सबसे पहला काम मायावती ने यह किया कि उन ऐसे सब लोगों को जो कांशीराम के क्लोज थे उन सबको बाहर कर दिया। 2006 में कांशीराम के निधन के बाद मायावती को अब बीएसपी के लिए रणनीति भी खुद बनानी थी और रण भी खुद ही लड़ना था। दलित वोट बैंक उनके साथ मजबूती से खड़ा था, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बड़ी थी राजनीतिक चुनौतियां। मायावती पर जितनी तेजी से मुकदमे लदे उतनी ही तेजी से उनकी दौलत और शोहरत भी बढ़ती गई। फोर्ब्स मैगजीन ने उन्हें दुनिया के 100 सबसे ताकतवर लोगों की लिस्ट में जगह दी तो न्यूज वीक ने उन्हें दुनिया भर की 8 बड़ी महिला नेताओं में से एक बताया। हिंदुस्तान के हर कोने में बसी जिस दलित आबादी की बदौलत मायावती ने यह रुतबा हासिल किया, उसी ताकत के बूते अब वो दिल्ली के तख्तोताज पर निगाहें जमाए बैठी हैं। उन्हें सत्ता की कुंजी चाहिए, वो भी अपनी शर्तों पर, अपनी बताई कीमत पर। 2014 में बाकी धुरंधरों की तरह मायावती के पास विकल्प थोड़े सीमित हैं। इसकी वजह है उनकी सियासत और उनका वोट बैंक, जिसका उन्हें हाईजैक हो जाने का डर रहता है। लेकिन अगर वो 2009 वाले प्रदर्शन को दोहरा पाई तो जोड़ तोड़ के खेल में तीसरे मोर्चे के लिए अहम बन सकती हैं। जरूरत पड़ी तो बीजेपी के साथ पुराना याराना फिर जमा हो सकता है, और कांग्रेस के लिए तो उनके दरवाजे कभी बंद ही नहीं हुए, यानी दिल्ली की किंग मेकर या फिर क्वीन मायावती भी बन सकती हैं। विपक्ष की छाती पर पतंग दबेगा हाथी पर।